UET के असातिज़ा के वफ्द की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, वफ्द के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर, नायब सदर फहीम सहगल से मुलाकात हुई। लाहौर चैम्बर और UET के माबैन मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी जी, बिल्कुल UET के प्रोफेसर मोहम्मद सियाद की क्यादत में अजाजा के वक्त की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई। मुलाकात में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेम्बरान मियां जाहिद जवेद, हारिस अतीक और साबिक सीनियर नायब सदर अहमद अली जावा भी शामिल। मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और UET के माध्यम मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसमें जदीद तहकीक और रोजगार के मौके की तलाश के ऊपर जो है वो दोनों इदारों की जानिब से मुश्तरका हिकमत अमली तय करने पर जो है मुफाहमत की गई। और इस मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा शहजाद नासिर ने कहा कि तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो UET के तलबा की जदीद तहकीक से इस्तेफादा हासिल करेंगे और जदीद तहकीक जो है वो अपने इंडस्ट्रियल पैदावार को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर UET के साजा का कहना था कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और UET मिलकर जो है वो तलबा जदीद तहकीक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर जो है वो काम करेंगे ताकि मुल्की मुआशी और इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हो और तलबा को बेहतरीन रोजगार के मौके मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर मदनी।